प्रयागराज में माफियाओं की धौंस किस तरीके से, माफियाओं की अवैध संपत्तियां किस तरीके से रही और उस पर बुलडोजर किस तौर पर चल रहा है। अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाने का सिलसिला अब और ज्यादा तेज हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रशासन के संयुक्त कार्रवाई में आज माफिया घोषित पार्षद निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के बाद में अब पार्षद बच्चा पासी की संपत्ति पर भी सरकारी बुलडोजर चला है। आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम की ओर से बच्चा पासी के करोड़ों संपत्तियों की लागत से बने हुए आलिशान आश्रय को ध्वस्त किया गया। तो एक एक करके उन तमाम बाहुबलियों और उन तमाम माफियाओं की उन अवैध संपत्तियों को न सिर्फ चिन्हित किया गया बल्कि उनका ध्वस्तीकरण कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। आइए सुनते हैं। अपराधी निहाल कुमार उस बच्चा पासी हिस्पीशीटर की अवैध संपत्ति है। इनके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 500 स्क्वायर मीटर में अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है। इसके क्रम में आज ज्वाइंट ड्राइव चल रही प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको डिमोलिश कराया जा रहा है। कितनी संपत्तियों को चिन्हित किया गया इनकी कार्रवाई? मैं सारी डिटेल्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये अभी कितने की संपत्ति है, कितनी बड़े एरिया में है? मेन रोड है, कॉर्नर प्लॉट है, 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट एरिया है। स्वाभाविक रूप से करोड़ों की। किस वजह से गिराया जा रहा है, कमी क्या थी? इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है।